ये बताया जाए रेजोल्टिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं, किसी एक मालिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए आप जो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स लिखते हो उन सबको हम क्या कहते हैं रेजोल्टिंग स्ट्रक्चर। लेकिन हमने कहा कि एक्चुअल मालिक्यूल क्या होता है, ये दोनों नहीं होते, इन दोनों का कम्बिनेशन। जो एक्चुअल यानी रेजोनेंस हाइब्रिड यानी रियल स्ट्रक्चर क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ ऑल रेजोनेटिंग। जितने आपने बेंजीन के लिए कितने स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग, बेंजीन के लिए दो स्ट्रक्चर है रेजोनेटिंग। तो असल जो है वो असल रियल स्ट्रक्चर क्या होगा बेंजीन का, इन दोनों का मिक्सचर। अब देखो यहाँ देखो डबल बॉन्ड कहाँ है, वन और टू के बीच में और थ्री और फोर के बीच में और फाइव और सिक्स के बीच में। ये डबल बॉन्ड एक जगह रुकता नहीं है ना, डीलोकलाइज करता है ना। तो यहाँ वन और टू के बीच में है, इस दूसरे फॉर्म में देखो कहाँ है, टू और थ्री के बीच में। यहाँ देखो वन और टू के बीच में है और यहाँ टू थ्री के बीच में है। यहाँ सेकंड बॉन्ड कहाँ है, थ्री फोर, और यहाँ किसने बनाया है, फाइव और फोर में। यहाँ थर्ड बॉन्ड कहाँ है, फाइव और सिक्स, यहाँ थर्ड बॉन्ड कहाँ है, वन और सिक्स। तो मैंने कहा कि ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं बेंजीन के, लेकिन असल स्ट्रक्चर क्या होगा, दोनों का कम्बिनेशन बनाएंगे यहाँ से। मतलब देखो जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ है, यहाँ वन और टू में, यहाँ किस में है, टू थ्री में। इसका मतलब क्या है, डबल बॉन्ड सिर्फ वन और टू में नहीं है, तो डबल बॉन्ड कहाँ होगा, वन और टू और थ्री तक होगा ये बॉन्ड। सही, देखो ये वन और टू में है, यही डबल बॉन्ड। और दूसरा बॉन्ड कहाँ है, थ्री और फोर में है, लेकिन यहाँ क्या है, दूसरा बॉन्ड फोर और फाइव। मतलब डबल बॉन्ड, जो दूसरा डबल बॉन्ड कहाँ होगा, कहाँ होगा, यहाँ थ्री और फोर में, और यहाँ क्या होगा, फोर फाइव, मतलब थ्री से चलता हुआ फोर और फाइव। और यहाँ लास्ट बॉन्ड कहाँ है, थर्ड बॉन्ड, फाइव और सिक्स में, यहाँ कहाँ है, वन और सिक्स में। मतलब क्या है, ये फाइव से सिक्स इस तरह। और इसको ओवरऑल हम कैसे लिखेंगे, यहाँ से बना के छोड़ते। मतलब क्या है, डबल बॉन्ड जो है वो वन और टू में नहीं है, वो टू थ्री में भी है। डबल बॉन्ड थ्री फोर में नहीं है, वो फोर और फाइव में भी है। डबल बॉन्ड फाइव सिक्स में नहीं है, वो सिक्स और वन में भी। मतलब सब में डबल बॉन्ड क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड का कुछ पार्ट यहाँ है, कुछ पार्ट यहाँ है, कुछ पार्ट यहाँ है। मतलब ये पार्शल, ये जो है वो टोटल डबल बॉन्ड नहीं है, ये पार्शल डबल बॉन्ड है। ये टोटल सिंगल नहीं है, ये पार्शल सिंगल है, इसलिए इसका जो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, सिंगल बॉन्ड से कम आता है। तो रियल क्या होगा, इन दोनों का ये ओजोन है। ओजोन में फर्स्ट करो डबल बॉन्ड क्या है, राइट ऑक्सीजन में है। यहाँ डबल बॉन्ड कहाँ है, एस ऑक्सीजन में है। तो रियल कहाँ होगा, डबल बॉन्ड कहाँ होगा, इन दोनों के मिक्सचर। मिक्सचर मतलब क्या है, डबल बॉन्ड कहाँ होगा, इस ऑक्सीजन से कहाँ और इस ऑक्सीजन से क्या होगा, फैला होगा। मतलब दोनों में कुछ डबल बॉन्ड यहाँ होगा, कुछ डबल बॉन्ड यहाँ होगा। मतलब डबल बॉन्ड सिर्फ इस ऑक्सीजन में नहीं है, इसका कुछ पार्ट यहाँ है, कुछ पार्ट यहाँ है। आपने एक पार्ट बनाया, दूसरा पार्ट बनाया, लेकिन असल क्या होगा, इन दोनों के बीच वाला होगा। तो ये इसका क्या होगा, रियल स्ट्रक्चर होगा। इसी तरह आप मुख्तलिफ जो है वो बना सकते हो। लेकिन ये देखो कार्बोनेट, कार्बोनेट जो आयन है इसका, अब देखो कार्बोनेट आयन में क्या है, कितने ऑक्सीजन है, तीन। तो तीन इसके जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। देखो ये डबल बॉन्ड है, कहाँ शिफ्ट हो सकता है, यहाँ शिफ्ट होगा। जब यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा, इसका हम ऐसे करेंगे, यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ माइनस आएगा। तो इस पे क्या होगा, तो यहाँ क्या होगा, माइनस दूसरा स्ट्रक्चर। तीसरा क्या है, ये डबल बॉन्ड इधर भी शिफ्ट हो सकता है, जब ये इधर शिफ्ट होगा तो इसका तीसरा स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये ऑक्सीजन माइनस, ये माइनस, और यहाँ क्या होगा, डबल बॉन्ड। अब देखो डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हमने क्या की, एक दो तीन, तीन जगह पे किया। तो असल मालिक्यूल क्या होगा, असल मालिक्यूल क्या होगा, तो कार्बोनेट के कितने स्ट्रक्चर्स हैं, तीन। लेकिन असल मालिक्यूल क्या होगा, ये तीनों क्या हैं, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। लेकिन असल क्या होगा, असल क्या होगा इन तीनों के बीच में होगा। मतलब क्या है, ये डबल बॉन्ड है, सिर्फ इस ऑक्सीजन पे नहीं है, इस पे नहीं है, इस पे नहीं। तो डबल बॉन्ड कहाँ है, उसका थोड़ा पार्ट इस ऑक्सीजन पे है, थोड़ा इस पे है, थोड़ा इस पे। तो ये इसका क्या है, रियल स्ट्रक्चर है। मतलब ये जो ऑक्सीजन है कम्प्लीटली डबल बॉन्ड नहीं है, ये कम्प्लीटली सिंगल नहीं है, ये कम्प्लीटली, मतलब ये थोड़ा डबल बॉन्ड है, थोड़ा यहाँ, थोड़ा, मतलब डबल बॉन्ड है, तीनों ऑक्सीजन पे क्या है, स्प्रेड है, फैला हुआ है, मतलब डीलोकलाइज है। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, रेजोनेंस। तो इस तरह आप मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। मतलब एक मालिक्यूल को जिस मालिक्यूल में रेजोनेंस होता है, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं, उस मालिक्यूल को आप एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाते हो, उन सारे स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और एक्चुअल मालिक्यूल क्या होता है, ये तीनों नहीं होता, तीनों का क्या होता है, कम्बिनेशन। देखो यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वन पे है, यहाँ किस पे, टू पे, यहाँ थ्री पे। मतलब क्या करेंगे, हम डबल बॉन्ड का कुछ पार्ट वन पे रखेंगे, कुछ टू पे, कुछ, मतलब तीनों में डबल बॉन्ड कुछ ना कुछ है, कंप्लीट है, थोड़ा 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 थोड़ा।
तो ये इसका हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं सल्फेट की बात करूं, सल्फेट SO4-2, ये तो यहाँ भी क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है, ये यहाँ, मतलब यहाँ क्या होगा, यहाँ इसके स्ट्रक्चर बना हुआ, एक स्ट्रक्चर ये बना हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड को लाऊंगा, दूसरा क्या है डबल बॉन्ड को यहाँ लाऊंगा, तो इस स्ट्रक्चर ऐसे बनाता जाऊंगा। लेकिन इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या होगा कि डबल बॉन्ड है कहाँ है, क्या वो सिर्फ इन दोनों ऑक्सीजन पे, नहीं, डबल बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड का कुछ पार्ट क्या है, यहाँ है, कुछ पार्ट यहाँ है, कुछ पार्ट इस ऑक्सीजन, तो ये इसका रियल होगा। तो जितने आप स्ट्रक्चर्स बनाते हो इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करके, पाई बॉन्ड को शिफ्ट करके, उन सब स्ट्रक्चर्स को हम क्या करें, पाई बॉन्ड पहले यहाँ था, अब यहाँ, अब यहाँ, जितने भी आप जगह पे पाई बॉन्ड को शिफ्ट करते हो, ये सब के सब क्या हैं, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। और असल मालिक्यूल क्या होता है, इन सब की कम्बिनेशन। तो असल मालिक्यूल क्या होता है, इन सब की कम्बिनेशन। अब आते हैं रेजोनेंस की, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनकी जो स्टेबिलिटी है वो सेम नहीं होता, लेकिन यहाँ सेम है, मैंने जो इस एग्जांपल लिए सब में क्या है, सेम है। लेकिन कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, सेम नहीं होती। यहाँ से देखो, ये देखो, ये एसीटिक एसिड है, यहाँ क्या है, एसीटिक एसिड, ये एसीटिक एसिड है। यहाँ देखो, यहाँ ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर, यहाँ ऑक्सीजन पे लोन पेयर, यहाँ क्या होता है, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर यहाँ आके डबल बॉन्ड बनाता है। जब लोन पेयर डबल बॉन्ड बना तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तो इसका दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, दूसरा कैसे बनेगा, दूसरा अब यहाँ से बनेगा। देखो, ये ऑक्सीजन कार्बन का डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, ऑक्सीजन इस पर क्या आएगा, चार्ज, ठीक है, इसके पास दो लोन पेयर और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी इसके पास चले गए, और इस ऑक्सीजन क्या किया, अपना लोन पेयर कहाँ दे दिया, बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज किया, इस ऑक्सीजन पर क्या चार्ज आएगा। अब देखो, दोनों में डबल बॉन्ड पहले यहाँ था, अब यहाँ है, रेजोनेंस तो हुआ है, क्या इन दोनों, लेकिन असल मालिक्यूल क्या है, ना ये है ना ये है, मतलब डबल बॉन्ड क्या है, कुछ यहाँ है कुछ यहाँ है, असल मालिक्यूल क्या होगा इसका, जो डबल बॉन्ड है, जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ होगा, डबल बॉन्ड कुछ पार्ट क्या होगा, यहाँ होगा कुछ पार्ट, ये है उसका रियल स्ट्रक्चर, लेकिन ये इसके दोनों क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। लेकिन इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में देखो, क्या ये दोनों का स्टेबिलिटी सेम है, नहीं, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल फॉर्म का स्टेबिलिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है, और चार्ज फॉर्म का क्या होता है, कम होता है। मतलब जितने भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हो किसी मालिक्यूल के लिए, वो इक्वल भी हो सकते हैं, जैसे कि बेंजीन में इक्वल है, सल्फेट में इक्वल है, फास्फेट में इक्वल है, हाँ, सल्फेट में, बेंजीन में, फास्फेट में, हाँ, कार्बोनेट में इक्वल है, कार्बन डाइऑक्साइड में इक्वल है, लेकिन यहाँ तो कार्बन में इक्वल, यहाँ जो है वो इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन पे प्लस आ रहा है, यहाँ नेगेटिव आ रहा है, लेकिन यहाँ क्या है, दोनों ऑक्सीजन न्यूट्रल, तो न्यूट्रल जो फॉर्म रेजोनेंस का क्या होता है, वो मोर स्टेबल किससे होता है, चार्ज वाले। तब कहेंगे ये जो स्टेबल, इसमें कितने स्ट्रक्चर्स हैं रेजोनेटिंग, तो हमने कहा कि एसिड के कितने हैं, जो एसिटिक एसिड है उसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन इन दोनों में स्टेबल कौन सा है, ये। अब जो हमने कहा कि रियल स्ट्रक्चर, रियल स्ट्रक्चर क्या होता है, दोनों की कम्बिनेशन, लेकिन दोनों की कम्बिनेशन है, लेकिन तब रियल स्ट्रक्चर दोनों की कम्बिनेशन कब है, जब सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो, इक्वल हो, लेकिन ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे रियल स्ट्रक्चर ज़्यादातर किसकी तरह बिहेव करेगा, इसकी तरह, थोड़ा इसकी तरह। जो रियल स्ट्रक्चर है इट इज़ मोस्ट क्लोज टू दैट, जो रियल स्ट्रक्चर है वो क्लोज किससे होगा, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होगा उससे क्या होगा, वो 70% इससे रिजेंबल करेगा, 30% इससे। तो ये कंडीशन, अब हम गए रेजोनेंस के लिए कंडीशंस क्या है उसको डिस्कस करेंगे, रेजोनेंस कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, उसके लिए हम कहेंगे केस नंबर वन, रेजोनेंस कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, उसके लिए केस नंबर वन है कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन, और इस कार्बन पे, ये कार्बन हो, इसको मैं सिंपल इस तरह लिखता हूँ, ए डबल बॉन्ड, बी सी, सी पे क्या हो, फ्री रेडिकल हो, नंबर वन कंडीशन, मतलब ये पहला एग्जांपल। दूसरा क्या है, ए डबल बॉन्ड, बी सी पे क्या हो, प्लस चार्ज, ये दूसरा कंडीशन। तीसरा क्या है, ए डबल बॉन्ड, बी सी पे क्या हो,
नेगेटिव चार्ज, चौथा कंडीशन ए डबल बॉन्ड बी सी पे क्या हो, लोन पेयर हो, तो लोन पेयर वाला कोई आइटम हो, पांचवा ए डबल बॉन्ड बी सी, सी ए डबल बॉन्ड बी और सी क्या हो, डबल बॉन्डेड क्या हो, इनसे हो, यहाँ हो सकता है ये पांचवा कंडीशन। छठा क्या हो सकता है, ए डबल बॉन्ड बी सी हो, फिर सी क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये केस नंबर वन है जिसमें ये सारे कंडीशन, जिसमें क्या होगा, रेजोनेंस होगा। मतलब ए डबल बॉन्ड मतलब क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और सी क्या है, सी कुछ भी हो सकता है, सी मतलब क्या है, कार्बन पे फ्री रेडिकल हो सकता है, सी क्या हो सकता है, कार्बोकेटान हो सकता है, सी क्या हो सकता है, कार्ब एनायन हो सकता है, सी क्या हो सकता है, कहीं लोन पेयर वाला आइटम, या सी और डी में क्या हो सकता है, सी क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड बनाता है डी के साथ, सी क्या कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है डी के साथ। तो इन कंडीशन में क्या होगा, इन कंडीशन में क्या होगा, रेजोनेंस होगा, यहाँ पाए इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट में से कौन सा है, ये वाला, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। तो इसका दूसरा स्ट्रक्चर कैसे होगा, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ क्या होगा, बी और सी में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, लेकिन ए के ऊपर क्या आ जाएगा, मतलब आप सिंपल कह सकते हो कि ये डबल बॉन्ड है यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, इस तरह कह सकते हो इसको। और यहाँ क्या होगा, यहाँ प्लस है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और प्लस इधर आ जाएगा। तो इसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, ए बी और सी, ये ए पे क्या होगा, प्लस, ये चार्ज क्या होगा, शिफ्ट होगा। तो यहाँ यहाँ ये नेगेटिव है, जब ये नेगेटिव है तो नेगेटिव मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन ये क्या करेंगे, ये डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। देखो पॉजिटिव में देखो इलेक्ट्रॉन फ्लो ऐसे हो रहा है, लेकिन ये नेगेटिव क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो क्या होगा, ए सिंगल बॉन्ड बी और ये क्या हो जाएगा, तो जब ये डबल बॉन्ड बनेगा यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड में, यहाँ डबल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये इस तरह। दूसरा देखो, ये लोन पेयर, लोन पेयर हम क्या कर सकते, जैसे कि कौन सा हो सकता है, NH2 या क्या हो सकता है, ऑक्सीजन, कुछ भी हो सकता है। तो मैं इसको देखो, इसको मैं सिंपल लिख रहा हूँ, ए का मतलब क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और सी पे क्या है, सी क्या है, फर्स्ट करो NH2, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, या सी डबल बॉन्ड सी, ये क्या है, ए डबल बॉन्ड में सी सी है, ए भी मतलब कार्बन है, सी क्या है, कुछ भी हो सकता है, वो कार्बन प्लस हो सकता है, कार्बन फ्री रेडिकल हो सकता है, कार्बन नेगेटिव हो सकता है, या फिर लोन पेयर वाला कोई एटम। देखिए ये लोन पेयर वाला है, अगर लोन पेयर दो है तो एक लोन पेयर जाएगा किसमें, बॉन्ड फॉर्मेशन में, रेजोनेंस में जाएगा। तो इसका क्या होगा, ये लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, जब ये लोन पेयर अपना देगा तो ये जो बॉन्ड के ये बॉन्ड है क्या हो जाएगा, ये यहाँ ट्रांसफर होगा। तो इसका क्या बनेगा, इस नीचे वाले का क्या बनेगा, सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड क्या होगा, NH2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो यहाँ क्या आएगा, इसने लोन पेयर दे दिया है, इस पर चार्ज प्लस आएगा। दूसरा इसका इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, ये यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ टूट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, CC और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस पर क्या आएगा, प्लस, जिसने लोन पेयर दिया उस पर चार्ज प्लस आएगा, और जहाँ बॉन्ड ब्रेक हुआ वहाँ चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। ये दोनों के स्ट्रक्चर्स हैं।